वेलकम बैक इन दिस सेशन आंसिबल मॉड्यूल्स। अभी ये सेशन के अंदर हम आंसिबल मॉड्यूल्स समझेंगे, जो आंसिबल का बहुत ही कोर इम्पोर्टेंट पोर्शन है, जहाँ पे हम आंसिबल प्लेबुक के अंदर आंसिबल मॉड्यूल्स यूज़ करते हैं। तो मॉड्यूल क्यों यूज़ करते हैं, कौन कौन से मॉड्यूल इम्पोर्टेंट है, एंड मॉड्यूल के अंदर डिटेल्स क्या रहती है, मतलब यूज़ करने के लिए कैसे उसको यूज़ करेंगे, तो इस सेशन के अंदर समझेंगे आंसिबल मॉड्यूल, जहाँ पे मॉड्यूल का डिटेल समझेंगे एंड मॉड्यूल का डेमो सेक्शन भी लेंगे एट द एंड। सो स्टार्ट करते हैं आंसिबल मॉड्यूल। तो मॉड्यूल क्या है, फर्स्ट के आंसिबल मॉड्यूल्स आर रियूजेबल स्टैंडर्ड स्क्रिप्ट दैट कैन बी यूज बाय आंसिबल एपीआई और द आंसिबल प्लेबुक्स। सो बेसिकली मॉड्यूल्स क्या है कि स्क्रिप्ट्स बना हुआ स्टैंडर्ड ऑन स्क्रिप्ट है। वो उसका कंसेप्ट ये है कि मॉड्यूल इसलिए बनाया था कि वो रीयूजबिलिटी के लिए यूज हो। तो जैसे कि आपने कोई गिट क्लोन जैसा पोर्शन है, जहाँ पे आपको गिट क्लोनिंग एवरी टाइम करना पड़ता है, तो क्या कि आंसिबल ने मॉड्यूल्स बनाए कि ऐसे मॉड्यूल आप रीयूज कर सको। तो जैसे गिट मॉड्यूल है, जैसे कमांड मुझे रन करने, तो कमांड इज अ मॉड्यूल है। तो बहुत सारे ऐसे मॉड्यूल अवेलेबल है आंसिबल के अंदर, जो हम डिटेल में देखेंगे। दूसरा ये है कि आंसिबल के पास बहुत सारे मॉड्यूल्स अवेलेबल है, मतलब आपको जब मॉड्यूल सर्च करोगे तो आपको हर चीज़ का मॉड्यूल आपको मिलेगा। सो मतलब इसीलिए आंसिबल को बेस्ट टूल माना जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑर्केस्ट्रेशन के लिए, कि उसके पास थाउजेंड्स ऑफ मॉड्यूल्स अवेलेबल है। सो कौन कौन से मॉड्यूल्स है जो बहुत ही कॉमन है, जो यूज होते हैं रेगुलर, तो वो देखते हैं कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिस्ट ऑफ मॉड्यूल्स लिखे हुए, ये सैम्पल मॉड्यूल्स है लेकिन बहुत सारे मॉड्यूल अवेलेबल है। तो उसमें से क्लाउड है, क्लस्टरिंग है, कमांड है, फाइल है, डेटाबेस है, सिस्टम है, विंडोज है, मॉनिटरिंग है। तो ये कुछ हाईलाइट्स ऑफ मॉड्यूल्स है, जिसमें हम ए मॉड्यूल्स के अंदर डीप में समझेंगे और कुछ मॉड्यूल का हम डेमो भी लेंगे। तो क्लाउड क्या है, तो क्लाउड मॉड्यूल बेसिकली क्लाउड प्रोवाइडर के साथ काम करता है, जैसे कि अमेज़न वेब सर्विसेज है, एज़्योर है, डिजिटल ओशियन है, क्लाउड स्टैक है। तो ये सारे क्लाउड प्रोवाइडर के साथ क्लाउड मॉड्यूल काम करता है, जहाँ पे आपको रिसोर्स क्रिएट करने, क्लाउड रिसोर्स को मॉनिटर करना है, क्लाउड रिसोर्स को अपडेट करना है, क्लाउड रिसोर्स को डिलीट करना है, तो वो कर सकते हो। तो अभी डिटेल में समझते क्लाउड मॉड्यूल का मुझे हेल्प निकालनी तो कैसे निकाल सकते हैं, तो आप उसके लिए आंसिबल डॉक्यूमेंटेशन में जाना पड़ेगा, जहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में आपको मॉड्यूल इंडेक्स मिलेगा। ये मेरा आंसिबल डॉक्यूमेंट है यूजर गाइड के अंदर, वर्किंग विथ मॉड्यूल्स, और उसके अंदर मॉड्यूल इंडेक्स है। तो ये इंडेक्स के अंदर आप देख सकते हो बहुत सारे मॉड्यूल अवेलेबल है। तो उसके अंदर जो फर्स्ट मॉड्यूल है क्लाउड मॉड्यूल, उसमें जाते हैं। सो एक क्लाउड मॉड्यूल के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे कौन कौन से क्लाउड सपोर्टर प्रोवाइडर है, अमेजोन है, एली क्लाउड है, आप देख सकते हैं नीचे इसमें एज़्योर है, एटॉमिक है, क्लाउड स्केल है, क्लाउड स्टैक है। तो बहुत सारे क्लाउड प्रोवाइडर आप देख सकते हो, डॉकर है, गूगल है। तो ये सारे क्लाउड प्रोवाइडर के साथ आप जैसे कि यहाँ पे गूगल में देख सकते हो, तो ये जिसी स्टोरेज आप बना सकते हो, DNS जोन कर सकते हो, इमेज क्रिएट कर सकते हो, और आप यहाँ पे इंस्टेंस बना के उसको मैनेज भी कर सकते हो बेस्ड ऑन के क्लाउड प्रोवाइडर रिसोर्सेज। सो ये क्लाउड मॉड्यूल का डिटेल था। नेक्स्ट मॉड्यूल देखते हैं, उसके अंदर क्लस्टरिंग है, जहाँ पे क्लस्टरिंग के अंदर बेसिकली यूज होता है क्लस्टर के लिए, जो आप देख सकते हो कंसोल जो है, कंसोल जो क्लस्टरिंग के लिए यूज होता है, जहाँ पे कंसोल ऐड डिलीट अपडेट कर सकते हो, सर्विस विद इन अ कंसोल आप क्लस्टर क्रिएट कर सकते हो, कुबरनेटिव्स को मैनेज कर सकते हो, तो ये क्लस्टरिंग के अंदर आता है। जो नेक्स्ट मॉड्यूल है कमांड मॉड्यूल है। कमांड मॉड्यूल क्या होता है कि जहाँ पे हम कमांड एक्चुअल में हम रन करते हैं, स्क्रिप्ट रन करते हैं। तो मुझे क्या रन करना है ऑन अ रिमोट मशीन, तो यहाँ पे मैं कमांड रन कर सकता हूँ, स्क्रिप्ट रन कर सकता हूँ। तो कमांड मॉड्यूल को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। सो अभी कमांड मॉड्यूल की हेल्प में जाते हैं, एंड ये कमांड मॉड्यूल की हेल्प है, जब आप कमांड मॉड्यूल में स्क्रिप्ट रन कर सकते हो, PHP रन करते हो, कमांड मॉड्यूल के खुद के पैरामीटर्स क्या है वो समझते हैं। तो यहाँ पे पैरामीटर में देखते हो, यहाँ पे आर्ग्यूमेंट आप पास कर सकते हो, डायरेक्टरी चेंज कर सकते हो, कमांड पास कर सकते हो, क्रिएट मतलब आप पाथ क्रिएट कर सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रिएट पाथ मतलब क्या करता है कि आपका
ऑलरेडी कोई डायरेक्टरी अवेलेबल है और आप क्रिएट पाथ यूज करते हो तो वो डायरेक्टरी अवेलेबल है तो आपका नॉर्मली स्क्रिप्ट फेल होता है, बट यहाँ पे वो स्क्रिप्ट फेल नहीं होगा अगर वो ऑलरेडी है तो उसको स्किप करेगा, मतलब कि आपके डिजायर स्टेट में ऑलरेडी है तो उसको स्किप करके नेक्स्ट आपके कमांड सिक्वेंस में जाएगा, तो वो भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे रिमूव है और ये स्टैंडर्ड इन एन बुलियन पैरामीटर्स है। सो ये कमांड की प्रॉपर्टीज है, आप यूज कर सकते हो, हम इसका डेमो भी देखेंगे। नेक्स्ट है फाइल। फाइल बेसिकली क्या करता है कि फाइल फाइल ऑपरेशन बेसिकली यूज करता है, जहाँ पे हम आर्काइव अनआर्काइव यूज करते हैं, कॉपी वन लोकेशन तो दूसरे लोकेशन करते हैं, फाइंड करते हैं, रिप्लेस करते हैं, तो फाइल के ऑपरेशन यहाँ पे होते हैं। डेटाबेस मॉड्यूल से क्या होता है, तो डेटाबेस मॉड्यूल बेसिकली मोंगोडीबी है, MySQL है, MySQL माइक्रोसॉफ्ट SQL है, PostgreSQL है, तो ये सारे डेटाबेस ऑपरेशन के साथ करता है, डेटाबेस क्रिएट करता है, मैनेज करता है, एडिट अपडेट डिलीट ऑपरेशन भी आप डेटाबेस टेबल पे भी कर सकते हो। सिस्टम मॉड्यूल क्या है, सिस्टम मॉड्यूल जो खास है सिस्टम को हैंडल करने के लिए, जहाँ पे आप यूज़र क्रिएट कर सकते हो, यूज़र का लिए ऑपरेशन कर सकते हो, जैसे कि यूज़र को परमिशन सेट चेंज कर सकते हो, यूज़र ग्रुप के साथ आप काम कर सकते हो, जो सिस्टम लेवल पे बेसिकली काम करता है, जहाँ पे आप सर्विस मैनेज कर सकते हो, माउंटिंग अनमाउंटिंग करोगे, एंड बेसिकली इसका फोकस क्या रहता है, सिस्टम लेवल पे। नेक्स्ट है विंडोज़। तो विंडोज़ मॉड्यूल क्या करता है, तो विंडोज़ मॉड्यूल जो सपोर्ट करता है, जहाँ पे वो बेसिकली विंडोज़ एनवायरनमेंट में काम करता है, उसके अंदर आप विंडोज़ कॉपी कर सकते हो, विंडोज़ के जो एग्जीक्यूशन कमांड विन कमांड यूज़ कर सकते हो, IIS सर्वर बना सकते हो, एंड यूज़र और उसके ग्रुप के साथ आप कन्फिग्रेशन कर सकते हो रिक्वायर्ड आपके हिसाब से। नेक्स्ट है मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग बेसिकली वर्क्स काम करता है मॉनिटरिंग टूल के साथ, जैसे कि नेगियोस है, लॉजिक मॉनिटर है, जहाँ पे आप अपने डेटा सोर्स कर सकते हो, नोटिफिकेशन जनरेट कर सकते हो। तो ये है कुछ बेसिक आंसिबल मॉड्यूल्स जो कॉमनली यूज होते हैं। अभी हम अपना डेमो सेशन में जाते हैं, जहाँ पे हम कुछ मॉड्यूल यूज़ करेंगे। तो मैं अभी मेरा जो लिनक्स सिस्टम है, जहाँ पे आंसिबल इंस्टॉल है, वहाँ पे चलते हैं, एंड यहाँ पे हम फर्स्ट जो एग्जांपल है वो मेरे स्क्रिप्ट से देखेंगे। तो बेसिकली क्या है कि मैंने पहले से लिखा हुआ है कि टाइम बचाने के लिए, कि अगर मैं उसको टाइप करूँगा तो इट विल टेक सम मोर टाइम। सो कम टाइम में कैसे ज़्यादा सीखे ये हम देखेंगे। तो अभी क्या है कि प्ले वन यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है, प्ले वन लोकल होस्ट में रन करेगा और एक कमांड मॉड्यूल यूज़ करता है। तो कमांड मॉड्यूल में मैं कौन सा कमांड रन कर रहा हूँ, PWD। तो PWD मतलब मैं पहले चेंज डायरेक्टरी करता हूँ, जैसे कि हमने देखा कि कमांड मॉड्यूल की प्रॉपर्टीज के अंदर CHDIR था, तो उसको मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। नॉर्मली PWD करूँगा तो जो डिफॉल्ट पाथ होगा वहाँ से वो उसका PWD देगा, पर अभी उसको मैं बोल रहा हूँ तो पहले चेंज डायरेक्टरी कर, उसके बाद तो मुझे प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी शेयर कर। तो एक काम करते हैं, अभी मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ ये प्लेबुक को, और यहाँ पे मैं इसको प्लेबुक बना रहा हूँ PWD.yml। सो यहाँ पे मैं रन कर रहा हूँ आंसिबल प्लेबुक PWD.yml। तो यहाँ पे देख सकते हो, वहाँ पे उसने मैसेज में दिया कि अभी मेरी करंट वर्किंग डायरेक्टरी रूट है। तो यहाँ पे रूट प्रिंट कैसे किया डीबग में वो देखते हैं। तो यहाँ पे हमने दो चीज़ हमने ऐड किया है, जो मतलब ये प्रॉपर्टीज डीबग की है, उसमें हमने क्या किया कि पहले उसको रजिस्टर किया मेरा जो टास्क था, और टास्क को जो मैंने कन्वर्ट किया स्टैंडर्ड आउट, कैसे उसको रिजल्ट में करें। तो अगर आपको आपका जो एग्जीक्यूट करते हो उसको आउटपुट में कन्वर्ट करना है, देखना है तो कैसे करेंगे, तो हम उसको स्टैंडर्ड आउट में कन्वर्ट कर सकते हैं हाइफन डीबग दिस मॉड्यूल के साथ। ओके, अभी मैं सेम PWD और YML के अंदर पाथ चेंज कर रहा हूँ, उसके बाद देखते कि पाथ चेंज करने के बाद ये अपने को क्या PWD देता है। तो अभी मैं चेंज करके रन कर रहा हूँ, तो अभी PWD होम देगा। सो ये है PWD मतलब कमांड रन किया उसका एग्जांपल। उसके बाद जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो आप देखोगे तो यहाँ पे हम क्रिएट डायरेक्टरी करते हैं। तो डायरेक्टरी कैसे क्रिएट करते हैं, तो MKDIR जो हमने नॉर्मल कमांड लिनक्स का पास करते हैं, पर उसके साथ हम क्रिएट पाथ भी पास करते हैं। मतलब क्रिएट क्या करता है, तो अगर आपकी डायरेक्टरी ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो फिर से एग्जीक्यूट नहीं करेगा। करते हैं यहाँ पे क्रिएट dir.yml, मेरी स्क्रिप्ट पास कर रहा हूँ यहाँ पे।
हम होम वर्कस्पेस के अंदर एंसिबल अंडरस्कोर टेस्ट बना रहे हैं, तो यहाँ पे एंसिबल अंडरस्कोर टेस्ट डायरेक्टरी नहीं है, तो मैं यहाँ पे रन कर रहा हूँ एंसिबल प्लेबुक एंड क्रिएट डायरेक्टरी YAML। तो यहाँ पे हम ls करेंगे तो पता चलेगा कि यहाँ पे एंसिबल अंडरस्कोर टेस्ट नाम की डायरेक्टरी बनाई। ओके वापस रन करते हैं क्योंकि ऑलरेडी डायरेक्टरी है तो स्क्रिप्ट फेल नहीं होनी चाहिए। तो स्क्रिप्ट फेल नहीं हुई, बट उसने क्या किया कि उसने स्कीप किया, बोले कि हमने स्कीप किया कि ऑलरेडी डायरेक्टरी प्रेजेंट थी। तो ये इंपॉर्टेंट है एंसिबल प्रॉपर्टीज का। यहाँ पे हमने यूज किया क्रिएट नाम की प्रॉपर्टीज यूज की, जो कमांड की प्रॉपर्टीज है। अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल है जिसके अंदर हम क्या करें कि एक फाइल बना रहे हैं, जो प्ले वन क्या करता है कि यहाँ पे टास्क के अंदर हम टच से फाइल बनाते, उसके मतलब कहाँ पे फाइल बनाते, होम वर्कस्पेस के अंदर, एंड वो सेम फाइल को कॉपी मॉड्यूल के साथ, देख सकते हैं हमने कॉपी मॉड्यूल यूज़ किया। कॉपी मॉड्यूल यूज़ करके हमने सोर्स एंड डेस्टिनेशन, मतलब कहाँ से फाइल लेनी है, कहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है। तो हमने फाइल लिया जो यहाँ पे बनाया कॉपी अंडरस्कोर कॉपी हाइफन टेस्ट डॉट लॉग, उसको हमने पेस्ट किया एंसिबल टेस्ट नाम की जो डायरेक्टरी हमने नई बनाई उससे। तो अभी इसको चेक करते हैं, कॉपी डॉट YAML। मैं रन करता हूँ, सो अभी मैं रन कर रहा हूँ यहाँ पे कॉपी फाइल एंसिबल हाइफन प्लेबुक एंड कॉपी डॉट YAML। सो ये प्लेबुक क्या करेगा कि पहले फाइल बनाएगा उसके बाद उसको कॉपी करेगा। तो पहले देखते हैं कि फाइल अपनी बनी, यहाँ पे कॉपी टेस्ट नाम की फाइल बन गई है, एंड इसको हम चेक करेंगे कि एंसिबल अंडरस्कोर टेस्ट के अंदर हाइफन टेस्ट के अंदर फाइल कॉपी हुई कि नहीं हुई। तो ये फाइल यहाँ पे कॉपी भी हुई है। तो ये क्या था कि यहाँ पे हमने पहला जो कमांड मॉड्यूल यूज़ किया उसके अंदर फाइल हमने बनाई कोई स्पेसिफिक फोल्डर के अंदर, उसके बाद हमने क्या किया कि उसको एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी में कॉपी पेस्ट किया। तो यहाँ पे हमने दूसरा मॉड्यूल यूज़ किया कॉपी मॉड्यूल। सो सेम वे आप दूसरे अवेलेबल मॉड्यूल यूज़ कर सकते हो, एंड बेस ऑन आपकी रिक्वायरमेंट। ये बेसिकली था कि मॉड्यूल क्या है, कौन कौन से मॉड्यूल इंपॉर्टेंट है, उसका डेमोस्ट्रेशन।